स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज की क्लास जो मैं लेने जा रहा हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सेट का, और उसे कहते हैं रिलेशन। तो आज हम रिलेशन की बात करेंगे और रिलेशन को समझेंगे, कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं और कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसमें हम रिलेशंस को देखेंगे और इसके डीपली फैक्ट्स को समझेंगे कि कैसे हमें इसके क्वेश्चंस को करना है और क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पे हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये दो सेट्स के प्रोडक्ट्स के लिए आता है। अगर एक सेट हमने कोई ऐसा लिया 1 2 3 लिया और उसको उसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक सेट को उसी सेट के साथ जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उनके जो सबसेट्स बनते हैं उनसे रिलेशन जनरेट होता है। उनसे क्या जनरेट होगा स्टूडेंट्स? रिलेशन जनरेट होता है। जैसे कि अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स मिलेंगे 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 2, फिर 1, 3, 2, 3 और फाइनली 3, 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे हमें ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे मिले हैं। अब ये जो हमें ए क्रॉस ए मिला है ये एक यूनिवर्सल रिलेशन में आएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अब इसी से आप जो भी सबसेट लेकर के क्रिएट करते हैं वो आपके रिलेशन के अंतर्गत आता है। तो अब हम इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, डेफिनेशन के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। नंबर वन हम बात करेंगे अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डेफिनेशन में यह कहा जाता है कि अगर ए एलिमेंट है किसी सेट ए का, तो ए भी ए हमारा एलिमेंट होगा किसका? उसके रिलेशन का। यानी कि अगर ए एलिमेंट है किसी सेट का तो ए हमारा एलिमेंट किसका होना चाहिए? जो रिलेशन जनरेट होगा उसका ए एलिमेंट मस्ट है कि वो होना चाहिए, इसके डेफिनेशन में। अब चलिए थोड़ा इसको डीपली हम समझेंगे। यहाँ पे इसको समझाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने सेट लिया है और इसी के साथ इसको प्रोडक्ट को हम लेंगे, और प्रोडक्ट को समझाने के लिए सबसे साधारण और सबसे आसान सा तरीका है ए बी और सी हमने लिया। अब यहां पे क्या आएगा? ए यहां पे होगा ए बी और फिर ए सी। उसी तरह से बी ए बी बी और बी सी, और फिर आएगा सी ए सी बी और सी सी। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमको इस टेबल में
मिल जाएगा। अब हम इस टेबल में देख रहे हैं कि ये डायग्राम्स पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, वो अगर हम सारे के सारे ले लेते हैं और एक सेट ऐसा, एक रिलेशन हम ऐसा बनाते हैं, दिखाते हैं, जिसमें हमने इन सबको ले लिया तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकता हूं? जी हाँ, मैं इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल ही बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि शर्त यह है, कंडीशन यह है, डिफिनेशन यह है। डिफिनेशन यह कहता है कि अगर ए एलिमेंट है इस सेट का, ए एलिमेंट है सेट का, तो क्या ए ए एलिमेंट है इस रिलेशन का? जी हां, बिल्कुल ए एलिमेंट है इस रिलेशन का। बी एलिमेंट है इस सेट का, तो क्या बी बी भी मौजूद है हमारे रिलेशन में? जी हां, बी बी भी मौजूद है। सी एलिमेंट है सेट ए का, तो क्या सी सी भी हमारे रिलेशन में मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। तो जितने एलिमेंट्स मैंने चेक किया, सबका रिफ्लेक्टिव पेयर यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब थोड़ी सी बात और हम कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैंने एक रिलेशन यहाँ से और लिखा, जिसमें मैंने इसको लिख दिया, अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो इस बार जवाब आएगा नहीं, ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका रीज़न ये है कि सी इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, सी इस सेट का तो एलिमेंट है, लेकिन इसका रिफ्लेक्सिव पेयर यानी कि सी सी वो हमारे इस रिलेशन में मौजूद नहीं है। सी तो है एलिमेंट सेट का, लेकिन इसका रिफ्लेक्सिव पेयर जो है, ऑर्डर्ड पेयर, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे सी सी मौजूद नहीं है तो फिर ये रिलेशन भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं मान्य होगा। तो चलिए इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ और हम समझेंगे कि कितने तरह के रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। सबसे पहले तो आता है R, एक हमने रिलेशन ऐसा लिया जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमने ले लिया। दूसरा, ए ए, बी बी और सी सी, जैसा कि अभी अभी मैंने लिया था, ये हम रिलेशंस किसके लिए ले रहे हैं? एक सेट है हमारे पास ए बी सी, उसके लिए ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस यहां पे मैंने लिए हैं, अब हम इसको चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम जा रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से रिफ्लेक्सिव हैं, कौन कौन से रिफ्लेक्सिव नहीं है।
तो सबसे पहले हम तो बात इसकी कर लेते हैं पहले वाले प्रश्न की। यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा रिलेशन ले रखा है, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही ले रखा है, तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है और यूनिवर्सल रिलेशन अपने आप में सब कुछ होता है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा, जो हमारे ए बी बी और सी सी हैं वो भी मिल जाएंगे, और पूरे जो हमने यहाँ पे टेबल ले रखा था उस टेबल के सारे एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आएंगे। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? जी हाँ, ये 100% एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस को हम यस बोलेंगे, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। ए एलिमेंट है ए का, जी हाँ, तो ए भी मौजूद है यहाँ पे, बी एलिमेंट है, बी बी भी मौजूद है, सी एलिमेंट है और सी सी भी इसका रिफ्लेक्सिव पेयर मौजूद है। तो बिना किसी शक के मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तो जो थर्ड वाला है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए तो मौजूद है, अगर ए एलिमेंट है ए का तो उसका पेयर मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ ए मौजूद है, बी एलिमेंट है ए का, उसका पेयर मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ बी बी भी आपका मौजूद है, लेकिन सी अगर एलिमेंट है ए का, मैं सी सी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ सी और सी मौजूद नहीं है, बाकी क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की चेकिंग के लिए जा रहा हूँ तो मुझे ये पेयर्स दिखने चाहिए। फिलहाल यहाँ पे एक पेयर मिसिंग है और वो पेयर है सी और सी, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कतई नहीं होगा, दिस इज नॉट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चौथे वाले कंडीशन पे आते हैं। चौथे वाला बहुत अच्छा कंडीशन है, ए है तो ए है, बी है तो बी बी है और सी यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है मुझे तो सी सी भी है, उसके बाद क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बाकी चीज़ें क्या लिखी होती हैं उससे हमें नहीं चेक करना होता है। हमें अगर सारे पेयर मिल गए तो 100% ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब इस केस की बात करते हैं फाइव वाले पे। फाइव वाला में कोई भी पेयर हमें नहीं दिख रहा है, तो बिना किसी शक के मैं बोल सकता हूँ कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो चलिए, हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाली चीज़ें तो क्लियर हो गई कि कब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है और कब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन होगा वो होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अगला जो रिलेशन हमारा है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। अगला जो रिलेशन हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन है स्टूडेंट, और इसके डेफिनेशन में ये चीज आती है कि अगर किसी रिलेशन के लिए ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी कि अगर ए बी एलिमेंट मौजूद है आर में तो बी ए भी एलिमेंट आर का होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट एक शर्त आ रही है। अच्छा, पहले वाले रिफ्लेक्सिव में क्या था कि एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए थे, ए और उसका पेयर वहां पे मौजूद होना चाहिए था। यहां स्टूडेंट एक शर्त रखी जा रही है, और शर्त क्या रखी जा रही है, कंडीशन क्या रखा जा रहा है कि अगर ए बी रिलेशन में है, ध्यान देंगे, अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, अगर ए बी रिलेशन में नहीं है तो फिर बी ए के लिए हम नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को आप समझ लीजिए। हम बी ए को तभी ढूंढेंगे जबकि ए बी इस रिलेशन में मौजूद होगा, तो ये इस शर्त के अंतर्गत आता है। तो कंडीशन ये कह रहा है कि अगर किसी रिलेशन में ए बी मौजूद है तो वहाँ बी ए भी अगर मौजूद है तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, इसको दूसरे लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं कि कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा।
कब कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक तब नहीं होगा जब ए बी तो है लेकिन बी ए वहाँ नहीं है, तब वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। कि भाई ए बी मौजूद है लेकिन बी ए मौजूद नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे मैं एक कंडीशन लेने जा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि सिमेट्रिक के लिए मैं लेने जा रहा हूँ। तो सिमेट्रिक के लिए कुछ कंडीशंस को मैं यहाँ पे देखूँगा क्वेश्चन के साथ। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ए बी, बी ए, ये सारे हम रिलेशन को डील करेंगे। एक सेट है हमारे पास ए बी सी, इसके लिए हम आर क्रॉस ए क्रॉस ए के लिए जा रहे हैं, इससे हमें रिलेशन मिलने वाला है ए क्रॉस ए से। दूसरा जो मैंने लिया यहाँ से, दूसरा प्रश्न है बी सी सी बी 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 और सी सी। तीसरा जो प्रश्न रखा मैंने वो है ए ए बी बी और सी सी। चौथा ए क्रॉस ए, पांचवा ए बी बी सी ए सी, छठा ए बी बी ए सी। चलिए अब हम चलेंगे इसको समझते हैं। तो ये एक रिलेशन जो है हमारा, ये इतने क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सिमेट्रिक हैं और कौन से सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए पहले वाले रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। तो पहले वाले रिलेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी तो मौजूद है, तो क्या बी ए भी मौजूद है। देखो स्टूडेंट, डेफिनेशन में क्या थी, हमारे डेफिनेशन में ये कही जा रही थी कि भाई ए बी जब मौजूद है तो बी ए भी वहाँ पे
मौजूद होना चाहिए। तो ये बिल्कुल शर्त यहाँ पे पूरी हो रही है, कंडीशन पूरी हो रही है कि अगर ए बी मौजूद है तो यहाँ बी ए भी क्या है, मौजूद है। तो जी हाँ, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं कि चलो बी सी मौजूद है तो सी बी भी मौजूद है और बी बी मौजूद है, तो एक तरह से आप समझ लो कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, वो अपने आप में एक सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। उसका रीज़न क्या है कि अगर बी बी मौजूद है तो इसका हम उल्टा अगर कर लें तो फिर से वो बी बी आ जाएगा, तो वो भी तो वहाँ मौजूद है। और सेट में हम दो चीज़ों को दो बार नहीं लिखते हैं, हम एक ही बार लिखते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि बी बी यहाँ पर मौजूद है तो इसका उल्टा यानी कि बी बी भी वहाँ पर मौजूद होगा। तो रिफ्लेक्सिव में अगर पेयरिंग को आप उल्टा भी कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर बी बी है यहाँ पे तो इसका उल्टा भी क्या होगा, बी बी भी हो, बी बी ही होगा, तो वो तो वहाँ पे मौजूद है। सी सी है, इसका उल्टा भी क्या होगा, सी सी है, तो ये भी मौजूद है। तो ये 100% क्या है, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि सारे के सारी शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही है। शर्त ये थी कि अगर हमारे रिलेशन में ए बी मौजूद है तो उस रिलेशन में उसका रिसिप्रोकल का उल्टा यानी कि बी ए भी क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड वाले में, थर्ड वाले भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी बी और सी सी के लिए इन सब के आपके कंडीशन पूरे हो रहे हैं। अगर ए ए मौजूद है तो इसका हम उल्टा भी कर लें तो ए ही आएगा, वो भी मौजूद है, तो 100% ये कौन सा रिलेशन होगा, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ए क्रॉस ए, तो मतलब पूरा का पूरा ही प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, तो ये कौन सा रिलेशन है, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोडक्शन में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर वो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा और यूनिवर्सल रिलेशन अपने आप में सब कुछ होता है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की, तो जो पांचवा प्रश्न है वो कह रहा है कि ए बी यहाँ पे मौजूद है, ए बी के लिए मैं किसको ढूंढने के लिए जाऊँगा, ए बी के लिए मैं किसको ढूंढने जाऊंगा। देखो शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि अगर ए बी मौजूद है तो वहाँ बी ए मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे ए बी मौजूद है लेकिन बी ए मौजूद नहीं है, तो ये शर्त क्या हो रही है, ये पूरी नहीं हो रही है, शर्त कंप्लीट नहीं हो रही है। जो डिफिनेशन, जो कंडीशन थी रखी गई सिमेट्रिक रिलेशन की, वो कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम इसमें बात करते हैं छठे वाले में, छठे वाले में अगर ए पी देख रहे हैं तो चलिए बी ए है, लेकिन ए सी, ए सी अगर उसने दिया है तो फिर मैं ढूंढूंगा कि मुझे सी ए भी चाहिए। अगर उसने ए सी यहाँ नहीं दिया होता तो फिर मैं ढूंढने के लिए भी नहीं जाता। शर्त को आप समझिए, शर्त ये कहता है कि अगर ए सी मौजूद है तभी मैं दौड़ूंगा ढूंढने किसके लिए, सी ए के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, इसी के नीचे अगर मैं सातवां क्वेश्चन लिखूँगा, थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश और करते हैं। तो सातवां अगर मैंने लिखा, चलिए ये तो है कि ये ए सी मैंने लिया और सी ए मुझे नहीं मिला, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन कतई नहीं है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब इसकी बात हम कर लेते हैं सातवें की, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें ए बी है तो बी ए मौजूद है, यहाँ पे कोई अलग से आपको ऑर्डर पेड नहीं दिया गया है, तो फिर मुझे ढूंढने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई चीज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए बी है और बी ए है, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है तो मैं नहीं ढूंढूंगा। लेकिन इस वाले जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ए बी और बी ए तो दिया है उन्होंने, लेकिन उसके साथ ही साथ एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दे दिया है
एसी जिसके लिए अगर मैं सीए को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए हम अगर सीए को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें तो मिलने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए था, हमारी शर्त क्या है कि अगर एसी मौजूद है तो वहाँ सीए भी मौजूद होना चाहिए, तो वहाँ तो मौजूद है नहीं सीए, तो फिर ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर ए बी है तो बी ए है, उसके बाद मुझे कुछ ढूंढना नहीं है, तो मेरी सेटिस्फेक्शन, मेरी संतुष्टि पूर्ण हो रही है, मेरा डिफिनेशन क्लियर हो रहा है, तो ये आपका 100% एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है स्टूडेंट, थोड़ी थोड़ी शर्तों को हम समझेंगे तब ये हमारी फुलफिलमेंट होती है। डिफिनेशन मस्ट है, डिफिनेशन अगर क्लियर है तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दो क्वेश्चन के साथ और मैं इसको फिनिश करना चाहूँगा ताकि आपका सिमेट्रिक रिलेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे साधारण सा और मैं ले रहा हूँ। जैसे ए अगर मैंने लिया 1 2 3 और ए क्रॉस ए के लिए मैं रिलेशन एक जनरेट कर रहा हूँ और उस रिलेशन में मैंने 1 2 और 2 1 लिख दिया, 1 2 और 2 1 लिख दिया, ठीक है, और एक में मैंने क्या लिखा 1 2 2 1 और 1 3 लिखा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहां पे, अच्छा एक और मैं यहां रिलेशन ले लूं, यहां मैंने 1 3 लिखा। चलिए इससे मैंने 3 रिलेशन को लिया, ए क्रॉस ए के प्रोडक्ट से मैंने 3 रिलेशन को लिया। अब इसको थोड़ा सा हम चेक करेंगे, तो देखो डिफिनेशन में शर्त क्या थी, सबसे पहले डिफिनेशन की शर्त को समझते हैं। हमारी सिमेट्रिक रिलेशन के डिफिनेशन में ये कह रहा था कि अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी मौजूद है तो वहां बी ए की उपस्थिति अनिवार्य है, बी ए भी वहां मौजूद होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तभी शर्त पूरी होगी। तो फिलहाल यहाँ पे 1 2 और 2 a भी मौजूद है, यानी कि ये शर्त पूरी हो रही है, तो ये कौन सा रिलेशन है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन इस दूसरे वाले रिलेशन की बात अगर करें तो 1 2 के साथ 2 1 तो मौजूद है, लेकिन 1 3 के साथ इसका पेयर अगर मैं ढूंढने जा रहा हूँ, 1 3 यहाँ मौजूद है लेकिन इसका पेयर मैं ढूंढने जा रहा हूँ, 3 1 मैं ढूंढने जा रहा हूँ, तो 3 1 मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। उसी तरह से इसकी बात करेंगे, यहाँ भी मैंने सिर्फ 1 3 लिया है, तो 1 3 तो ले रखा है बिल्कुल, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पे 3 1, लेकिन 3 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक और रिलेशन जनरेट करूँ और उसमें मैं लिख दूँ 1 3 और 3 1, तो अब ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 3 अगर मौजूद है तो 3 1 भी वहां पे मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रिलेशन की बात करेंगे और ये रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगले रिलेशन की बात करते हैं, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन की शर्त होती है कि अगर ए बी एलिमेंट है किसी रिलेशन में और बी सी एलिमेंट है किसी रिलेशन में, तो ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए उस रिलेशन में। अगर ए बी एलिमेंट है किसी रिलेशन में, बी सी एलिमेंट है किसी रिलेशन में, तो ए सी भी आपके एलिमेंट वहाँ उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी शर्त के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, शर्त को फुलफिल करना है, हमारे सामने अगर ए बी और बी सी दोनों होंगे
तभी मैं किसको ढूंढने के लिए जाऊंगा, तभी मैं एसी को ढूंढने के लिए जाऊंगा, अगर एबी और बीसी नहीं है वहां पे फिर मैं ढूंढने भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरह से। हम इसको थोड़ा सा ये अर्नेस में कठिन होता है, तो अगली क्लास में मैं ट्रांजिटिव की पूरी डिटेल को लेकर के आऊँगा और इस साथ ही साथ इक्विवेलेंस के डिटेल्स को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।